अस्सलाम वालेकुम YouTube व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो मेरे कंटेंट के हिसाब से तो डिफरेंट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रैवलिंग पर फोकस करूँ। एज ए ड्राइवर मैं यहाँ पर काफ़ी जगहों पे जाता हूँ, तो सोच रहा हूँ कि उसी पे ही फोकस करके एक्सप्लोर करूँ। लेकिन आज की वीडियो इसलिए भी है कि जो लोग लग्जरी कार्स रखते हैं तो उनको भी पता चले। तो आज मेरा काम है कि क्योंकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना है, क्योंकि यूएई में हर साल गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है, जिसके लिए आपको गाड़ी को आरटीए लेके जाना होता है, फिर वो गाड़ी को पास करते हैं तो फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाजिर, अभी मैं पहुंच चुका हूं जहां पे मुझे टायर फिक्स करने हैं। ये अभी जो दुबई में रहते हैं वो एग्जैक्टली पता चल सकता है उनको कि अभी टाइम स्क्वायर के पीछे आया हूं मैं। शेख जायद रोड से अगर आप आएंगे तो आपको मुरब्बा एग्जिट लेना पड़ेगा। मैंने गाड़ी पार्क कर दी है। अभी गाड़ी लिफ्ट करने से पहले मुझे उसके ऑप्शन है जो मुझे यूज़ करना है, ताकि गाड़ी अगर लिफ्ट हो तो गाड़ी इटसेल्फ लॉक हो जाए। ये आ गई सर्विस एंड चेक, आप देख सकते हैं। इसको क्लिक करना है और फिर नीचे आके सस्पेंशन का ऑप्शन को ऑन करना है। अब ये गाड़ी ऑटोमेटिक ही लॉक हो गई, इटसेल्फ लॉक हो गई। फिर आप पहले गाड़ी स्विच ऑफ कर दें। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं गाड़ी इटसेल्फ लॉक भी हो चुकी है, जो ऑप्शन मैंने बताया था, उसके बाद लिफ्ट भी हो चुकी है। तो अभी जो पुराने टायर्स हैं गाड़ी के वो निकाले जा रहे हैं। व्यूअर्स, मुझे वही टायर मिल चुके हैं जो मुझे चाहिए थे, स्कॉर्पियन वर्दा के, वही साइज मुझे मिले हैं। ये R21 इसका साइज़ है। अभी ये इसके सारे कोड्स हैं जो इस पर जो मुझे चाहिए थे वो मिल गए हैं, और ये जनवरी के तीसरे वीक 2020 में मैन्युफैक्चर हुए हैं। गाड़ी के चारों टायर निकाल दिए गए हैं न्यू टायर लगाने के लिए। अभी ये न्यू टायर जो हैं हम गाड़ी के रिम्स में फिक्स किए जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं टायर में एयर प्रेशर भी डाल दी गई है, और अभी व्हील को बैलेंस के लिए मशीन पे लगाया गया है। तो व्यूअर, आप देख सकते हैं अभी गाड़ी को अलाइनमेंट सेक्शन में रखा है। अलाइनमेंट होने के बाद, परफेक्ट होने के बाद, फिर हम टेस्ट ड्राइव पर भी जाएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी जैसे अलाइनमेंट हो चुका है तो जेंटलमैन मेरे साथ है टेस्ट ड्राइव के लिए, क्योंकि जब टायर आप चेंज करते हैं तो व्हील बैलेंसिंग होती है, अलाइनमेंट होती है, उसके बाद फिर टेस्ट ड्राइव के बाद पता चलता है कि गाड़ी स्मूथ है
बैलेंस में है, सेंटर में है, तो उसके बाद फिर ओके होता है। अगर फिर उसमें कोई अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो दोबारा उसको सेट किया जाता है। तो देखते हैं क्या रिपोर्ट देते हैं जनरल में हमें। जैसा कि आपने देखा, अगर आपकी गाड़ी की रिन्यूअल है तो अगर उसमें कोई भी फॉल्ट है, मैकेनिकल फॉल्ट है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, वो आपको पहले फिक्स करना है रिन्यूअल से पहले, क्योंकि वरना आरटीए आपकी गाड़ी अप्रूव नहीं करेगी नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अभी जैसे मैंने गाड़ी के टायर चेंज करा है, मैकेनिकल कोई फॉल्ट नहीं है, तो अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी ड्राइव मिल रही है मुझे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू सो मच।